नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग जो है धूमनगंज क्षेत्र के एक स्कूल है, वीआर मेमोरियल स्कूल जो है वहां पर मौजूद है। और यहां पर छोटे छोटे बच्चे आपको भारी मात्रा में दिखाई दे रहे होंगे, कई कक्षा में और कई अभी फील्ड पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर अभी मौजूद है हमारे साथ इस स्कूल के मैनेजर आलोक यादव जी। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि सर, ये जो डेंगू क्षेत्र में फैला हुआ है जिससे काफ़ी जनता जो वो है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, इसमें जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है डेंगू बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है और आज दिन नए युवक बच्चों की जान जा रही है। लेकिन सरकार का सराहनीय प्रयास है कि जो स्कूल उस्कूल में फागिंग और जो है ये एंटी लार्वा का छिड़काव किए हैं विद्यालय में, इसलिए हम सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कदम थोड़ा और पहले उठाए जाते तो बहुत सारी जानें और बच सकती थी? हाँ, लेकिन जो है चूंकि समस्याएं ज्यादा हैं, सरकार जो है गंभीर प्रयास कर रही है इस क्षेत्र में। तो यहाँ पर जो है यहाँ की प्रिंसिपल जो है वो भी मौजूद है। मैम, आपका पहले शुभ नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम संगीता मिश्रा है। तो मैम, आपका क्या विचार है इस पर? नहीं, विचार है जो कार्यवाही तो हो रही है, लेकिन और समय से रहते थोड़ा जनता को अवेयर करने की भी जरूरत है, जिससे मच्छरों का उत्पादन कम हो सके, हम सफाई पर ध्यान दें और छिड़काव भी किया जा सके, एंटीबायोटिक का भी प्रयोग किया जाए, ताकि जो सबके स्वास्थ्य हित को ध्यान में रख करके सुधारू कदम। क्योंकि आप लोग बच्चों से डील करते हैं तो भारी मात्रा में बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, तो आप लोगों को भय ज्यादा नहीं लगता? क्योंकि नहीं, बच्चे हैं तो और बीमारी है। पर डे कोई ना कोई बच्चा हमारे यहाँ प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है कि फीवर सफर कर रहा है, तो उसको हम लोग ट्रीट भी करते हैं, फिर उसको घर भी भेजते हैं। इस समय मेडिटेशन के साथ साथ रेस्ट करना भी ज्यादा जरूरी हो गया है। बच्चों की संख्या डे बाई डे कम होती जा रही है हमारे विद्यालय में भी, और ये लगभग सभी विद्यालय ऐसे सफर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद सर। हम विशेष धन्यवाद आलोक साहू जी को जो है देना चाहेंगे, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 49 को, जिनके सहयोग से ये कार्य जो है संपन्न हुआ है। और नगर निगम को, हाँ नगर निगम को भी और सरकार को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपनी बात रखने के लिए।